वीडियो में मैं आपके लिए हॉस्टल वार्डन के लिए आंसर के लिए क्या हूँ, जो दोस्तों लगभग 98 से 99% सही है। और इसमें दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसका 100% आंसर अभी तक किसी भी बुक में भी मिला नहीं है, जिस कारण से मैं इसके 100% गारंटी नहीं देता हूँ। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में दो तीन ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पे अभी सभी को डाउट है, यहाँ तक कि टीचर तक को भी डाउट है। तो दोस्तों स्टूडेंट का डाउट होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चूँकि पहला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द करने की शक्ति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कौन से संकल्पना इस शक्ति को स्पष्ट करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यायिक समीक्षा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में समान संख्या में सीटें प्रदान की गई। दूसरा कथन है, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों दोनों को सीटें आवंटित की गई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें पहला दोस्तों गलत है जबकि दूसरा सही है। चौथा क्वेश्चन है, परियोजना मूल्यांकन, बजट बनाना, उपलब्धियाँ और डाटा हैंडलिंग सिस्टम किसके अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समग्र शिक्षा के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है? तो सल्फर दोस्तों एक अधातु है, बाकी मैग्नीशियम, अल्मोनियम, कैल्शियम ये सब धातु है, मेटल है। तो दोस्तों छठा क्वेश्चन है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल पहला और तीसरा सही है। 25 मई से 3 जून 2023 के बीच आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से कौन से G20 देश का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है? तो अपना देश भारत का प्रदर्शन इसमें सबसे अच्छा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत के 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस स्वास्थ्य संकेतक में 2015-16 की तुलना में 2019-21 के सर्वेक्षण के परिणामों में वृद्धि दर्शाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, जापानी भाषा में हार्बर वेव्स को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हार्बर वेव्स को सुनामी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए, उनमें से अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में दर्शाया गया है। तो अभिकथन ए में कहा गया है, कार्बन पेपर बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, यह सही बात है। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट विद्युत का सूचकांक है, यह भी बात सही है। तो दोस्तों ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो दोस्तों ये ऑप्शन 4th में है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है, यानी आर जो है ए के बारे में सही नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, नीचे दिए गए प्रश्न जिसके पश्चात दो कथन एक और दो प्रत्येक कुछ जानकारी सहित दिए गए, निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथन एक और दो दोनों इकट्ठे का प्रश्न देने के लिए आवश्यक है। दोस्तों अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करके देख लीजिएगा, आंसर यही आएगा। मैं डायरेक्ट दोस्तों आपको आंसर बता रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी इसको कवर किया जा सके। अगर सॉल्यूशन बताऊँगा तो दोस्तों 1 घंटा से प्लस का वीडियो बन जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसका राइट आंसर है एम। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, दोस्तों इसको बनाना है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज चेक करके इसका रिलेशन निकाल लेना, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज रिलेशन चेक करने पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, भाई हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जो कि एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने पर आपको ऑप्शन नंबर ए एस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि RTE अधिनियम के बावजूद अनेक बच्चे अभी भी शिक्षा से वंचित है, और इसके बारे में दोस्तों कार्रवाई से संबंधित निष्कर्ष दिया गया है, सरकार को RTE अधिनियम का प्रवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए, सही बात है। शैक्षिक
रूप से वंचित बच्चे के माता पिता को सजा देनी चाहिए, ये गलत बात है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल एक की जानी चाहिए। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों एक कथन दिया गया है और उसको मान के आपको सही आंसर तक पहुंचना है। एडिलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, ये बात सही है। एडिलिन तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को बढ़ाता है, ये भी बात सही है। तो दोस्तों यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों आपको एक सिलोगिज्म का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें दोस्तों आपको बनाने पर इसका राइट आंसर केवल दो निष्कर्ष निकलता है, जिसमें कुछ अच्छे व्यक्ति अध्यापक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, जो कि दोस्तों एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, आप दोस्तों बना के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 64, 66, 62, आप दोस्तों सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर निकल जाएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये पजल का क्वेश्चन है, जिसमें आपको पहले पजल के दिए गए डाटा को फिल करना है, डाटा को फिल करने के बाद दोस्तों आपको राइट आंसर दो नंबर ऑप्शन जो कि सिगाई आ जाएगा, आप बना के भी देख सकते हैं। वैसे दोस्तों मैंने इसको बनाया है, नीचे आप देख सकते हैं रफ पेज में दोस्तों ये देख सकते हैं इतना लंबा प्रोसेस से ये बना है, तो इसको दोस्तों बनाने में टाइम लग जाता है, जिस कारण से दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपको इनइक्वालिटी का सवाल दिया गया है, दोस्तों इसको सॉल्व करिएगा तो आपको पहला ऑप्शन जो कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सत्य है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर, ये भी इनइक्वालिटी का सवाल है, जिसमें दोस्तों केवल निष्कर्ष 2 यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्शन का है और इसको दोस्तों सॉल्व करने के बाद राइट आंसर इसका 24 का 2, जो कि 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वेन ग्राफ का, उस आरेख की पहचान कीजिए जो माता स्त्री व स्नातकों में सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। तो दोस्तों ये सबसे अच्छा संबंध ऑप्शन नंबर 4 इसके बारे में दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का, जिसमें दोस्तों आप सीरीज फॉलो करते हुए जाइएगा तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा J35L। नेक्स्ट है दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन, तो वो भी कोडिंग का है, जिसमें दोस्तों आपको एक इंक्रीजिंग फॉर्म में चलते जाना है, लास्ट में आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि इसका राइट आंसर 105 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है 28 नंबर, जिसमें दोस्तों बगर्ड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो दोस्तों इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, जिसमें दोस्तों आपको दो कथन दिए गए हैं, इस दो कथन के आधार पर आपको इसका आंसर देना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जिसमें कथन 1 अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। और दोस्तों रीजनिंग का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें दोस्तों कह रहा है कि 3 फलों के समुच्चय का चयन किया जाने की जरूरत है, इन फलों का चयन 7 फलों के सेब, शरीफा, गुजेबरी, अनानास, आलू बुखारा और आम में से, और इसमें दोस्तों 3 कंडीशन दिए गए हैं, जिसमें पहला कंडीशन दिया गया कि यदि सेब या आम का चयन किया जाता है तो उसमें दूसरा भी चुना जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर सेब और आम है तो उसके अलावा दूसरा भी चुना जाना चाहिए, तो दूसरा अगर चुना जाएगा तो इसके हिसाब से राइट आंसर दोस्तों उसका 30 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि सेब और आम खुद हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों ICTC का, जो कि कंप्यूटर है, तो इसका 31वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध ईमेल ID नहीं हो सकती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो सकता है अनेक @ वाली ईमेल ID। दोस्तों कोई भी ईमेल ID में आप देखते होंगे कि @ एक ही होता है, जैसे ABC@gmail.com @ 5 बार नहीं होता, इसलिए अनेक बार अगर ईमेल ID में @ है तो वो ईमेल ID वैलिड नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिंटर जैसे कुछ हार्डवेयर संसाधनों को साझा करने के लिए एक स्विच और वायर केबल के माध्यम से एक कंप्यूटर घर में अनेक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार का नेटवर्क तैयार किया जाता है, तो दोस्तों इसके लिए LAN का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अनेक कंप्यूटरों को एक साझा में जोड़ा जाता है, जिसे दोस्तों फुल फॉर्म के रूप में लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर प्रणाली में राउटर क्या है, दोस्तों राउटर एक नेटवर्किंग उपकरण है, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 34 है, जिसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बराबर नहीं है। दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली वैसी कंप्यूटिंग होता है जिसमें अगर आपके पास मोबाइल में स्टोरेज नहीं है तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से उस जगह पे इंटरनेट पर डाटा को स्टोर कर सकते हैं, जिससे आप दोस्तों मोबाइल में स्टोरेज न रहने के बावजूद भी वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट कनेक्टिविटी पर आश्रित नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में ई गवर्नेंस के लिए आरंभिक विधि ढांचा उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा IT अधिनियम 2000, यानी उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों टेली जो है कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि ये एक दोस्तों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। बाकी मैक एफे, किस्पर, स्काई नॉटन, ये सब एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आजकल की कंप्यूटर भाषा में AI का लोकप्रिय पूरा नाम क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज क्षमता में सबसे छोटे से शुरुआत करते हुए अनुसार मेमोरी इकाई का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा KB MB GB। तो सबसे पहले दोस्तों मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट इकाई होती है बिट, उसके बाद निब्बल, बाइट, KB, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, छोटा, उसके बाद है योटा, उसके बाद ब्रॉन्टो, ब्रॉन्टो के बाद जियो। तो सबसे बड़ी इकाई मेमोरी यूनिट की जियो होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 MS विंडो, जो कि एक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। बाकी सब दोस्तों MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में रोम का पूरा नाम क्या है। तो रैंडम दोस्तों नहीं होगा, रोम है तो रीड ओनली मेमोरी होगा, रैम होता तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो नहीं है तो दोस्तों स्कैनर इनपुट है, माइक इनपुट है, राइट पिन इनपुट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लॉटर क्या है, एक दोस्तों आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, यह एक प्रकार का मालवेयर है जिसे हम सामान्यतः एक वैध और उपयोगी ऐप के रूप में अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करते हैं, किंतु वह आमतौर पर हमारे स्मार्टफोन को नियंत्रित कर लेता है और हमारी डाटा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, उसकी चोरी करता है अथवा उसके थ्रू कुछ हानिकारक क्रिया करता है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर ट्रोजन हो जाएगा। जैसे करता है दोस्तों, कोई कोई खास दोस्त होता है जो आपसे दोस्ती करता है और बाद में आप ही के पीछे छुरी ढोकता है, तो वही एक तरह से ट्रोजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, चूंकि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना कि एक वेब ब्राउजर है। बाकी सब दोस्तों वेब ब्राउजर का उदाहरण है। नेक्स्ट है, अधिकांशतः MS विंडोज एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने और उसे किसी अन्य स्थान पर पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की संयोजन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों Ctrl V और Ctrl C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इमेज फाइल का एक स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन हो सकता है। तो राइट आंसर होगा .jpg दोस्तों होगा। नेक्स्ट है, एक बोर्डिंग हाउस के 100 छात्रों द्वारा पिछली कुछ परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों को संचित करने के लिए एक सारणीबद्ध शीट तैयार करने के लिए जिसमें कुछ बुनियादी सांख्यिकी और ग्राफी विश्लेषण हो सके, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतः स्वाभाविक प्राथमिकता किसे दी जा सकती है। तो सर्वाधिक प्राथमिकता दोस्तों MS Excel को दी जा सकती है, क्योंकि इसमें आपको 100 छात्रों का डाटा तैयार करना है, तो इसलिए दोस्तों MS Excel का उपयोग किया जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों MS Excel एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि एक सर्च इंजन है, और बाकी याहू, गूगल, बिंग, ये सब सर्च इंजन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है, कंप्यूटर में DVD का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बेसिक टेक्स्ट और ग्राफिक फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि के साथ विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक हाउस रिपोर्ट लिखने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है। तो MS Word में ही दोस्तों बेसिकली कोई भी टेक्स्ट, पैराग्राफ, फॉर्मेटिंग, बोल्ड, जो भी स्टाइल देना, वो सब सारी आपकी प्रक्रिया इसमें मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ एवं हाइजीन इन बोरिंग विषय पर एक एनिमेटिक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर से सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है।
तो सर्वाधिक दोस्तों मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है, तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए दोस्तों एमएस पावर पॉइंट की सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों पॉक्सो का, जिसमें पहला क्वेश्चन है 51वां नंबर, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1921 के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंगानुपात कितना था। तो दोस्तों अगर आंकड़े की बात की जाए तो 929 किताबों में दिया गया है, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर होने की संभावना 931 होगा। लेकिन दोस्तों इसमें डाउट है क्योंकि अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आया, जिस कारण से दोस्तों 931 भी सही हो सकता है, 927 के अप्रोक्स भी सही हो सकता है, इसके दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों मैं ये कह देता हूँ कि ये क्वेश्चन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बाद में मुझे ना कहिएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी सही है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग को शामिल किया गया, तो दोस्तों राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के मृत्यु दर निम्नलिखित में किन संकेतकों के लिए सर्वाधिक थी। तो राइट आंसर हो जाएगा नवजात मृत्यु दर के लिए सर्वाधिक थी। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत एक जिला न्यायालय में बाल विवाह को रद्द कराने की याचिका किसके द्वारा दायर की जा सकती है। इसका राइट आंसर होगा किसी भी सामाजिक रूप से सशक्त व्यक्ति द्वारा जिसे इस संविधा के एक बाल विवाह होने की जानकारी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉक्सो नियमावली 2020 के अंतर्गत विशेष शिक्षक कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों गाइड आंसर हो जाएगा पॉक्सो के अधिनियम के अंतर्गत विचारण के लिए विशेष न्यायालय में संपर्क अधिकारी, इसके लिए इस विशेष शिक्षक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार की तरह बालक श्रम अधिनियम 1986 कतिपय रोजगार में ही बालकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, अधिनियम के अंतर्गत ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और गैराजों से संबंधित व्यवसाय बालकों के लिए प्रतिषिद्ध मतलब मना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉक्सो अधिनियम लिंग तटस्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 58 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दंड विधि अधिनियम 2013 ने भारतीय दंड संहिता में संशोधन किए हैं। दूसरा है, इसके व्यक्ति का जो व्यापार अपराध को इस अर्थ तक संशोधित किया गया कि पीड़ित की सहमति से हुए दुर्व्यापार को अपराध नहीं माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये सही है लेकिन बी गलत है। अगला क्वेश्चन है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से किसके गठन का उपबंध करती है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल न्यायालय की उपबंध का गठन करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, केवल ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के लिए राष्ट्रीय चार्टर नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रेन 2003 को निम्नलिखित में से किसके अंदर प्रतिज्ञा के अनुरूप घोषित किया गया है। उसका राइट आंसर होगा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास में किशोरा अवस्था की समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा नियमित काउंसलिंग कराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, छात्रावास मेस में स्टॉक प्राप्त करने का अधिकार किसके पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेस प्रबंधक के पास इसका अधिकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, छात्रावास प्रबंधन में क्या शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्यालय में प्रवेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्यालय में प्रवेश हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावासों में आम समस्या क्या हो सकती है। तो दोस्तों आम समस्या हो सकती है खराब रखरखाव, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, छात्रावास प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सी मत उपभोज्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुकिंग गैस। कुकिंग गैस का उपयोग दोस्तों उपभोज्य के लिए किया जाता है। ये दोस्तों इन्वेंट्री प्रबंधन का एक टॉपिक है। नेक्स्ट है, छात्रावास में निम्नलिखित में से कौन सी मत गैर उपभोज्य है। तो गैर उपभोज्य में दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रावास में प्रवेश के लिए छात्रों की अधिक संख्या से कैसे निपटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3, जो कि मेरिट के आधार पर छात्रों की संख्या को सीमित करके इससे बचा जा सकता है या निपटा जा सकता है।
नेक्स्ट है, छात्रावास के छात्र या छात्राओं में अनुशासनहीनता से किस प्रकार से निपटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रभावी प्रेक्षण द्वारा यानी इफेक्टिव सुपरविजन के द्वारा अनुशासनहीनता से निपटा जा सकता है। नेक्स्ट है, छात्रावास में गृह प्रबंधन स्टाफ की हाजिरी की निगरानी कौन करेगा? तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा सहायक वार्डन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, छात्रावास जीवन का क्या लाभ है? ये सामाजिकरण और स्वतंत्र व्यवहार को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, छात्रावास का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, छात्रों को अध्ययन के लिए शांतिपूर्ण अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना छात्रावास का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, बालिका छात्रावास में कौन से सुरक्षा उपाय अपनाने जाने चाहिए? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, महिला वार्डन की व्यवस्था के साथ साथ कड़ी सतर्कता, जो कि राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, छात्रावास प्रशासन को कैसे सुधारा जा सकता है? तो छात्रावास के छात्रों से नियमित फीडबैक प्राप्त करके और उन्हें निर्णय लेने में शामिल करके दोस्तों छात्रावास प्रशासन को सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास में प्रवेश के लिए क्या मानदंड होने चाहिए? तो छात्रावास में प्रवेश की अनुमोदित गाइडलाइन के अनुसार छात्रावास में प्रवेश किया जाना चाहिए। छात्रावास में सामान्यतः किस प्रकार के स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, उपभोज्य और गैर उपभोज्य रजिस्टर का रख रखाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं के गंभीर रूप से बीमार पड़ने की स्थिति में वार्डन का क्या कर्तव्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, बीमार छात्र या छात्राओं को तत्काल नज़दीकी अस्पताल में शिफ्ट करना छात्रावास वार्डन का प्रमुख कार्य है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, छात्रावास में भोजन सूची का निर्धारण कौन करता है? तो मेस समिति छात्रावास में भोजन सूची का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रावास कक्ष समान सूची का एक भाग है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4, छत का पंखा छात्रावास कक्ष समान सूची का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रावास में मेस समिति का काम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य कर और किफ़ायती भोजन उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, सामान्य वित्तीय नियमावली का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुमोदित डीलर से मधु खरीदने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावासों के सामान्य रखरखाव और स्वच्छता का प्रभारी कौन होगा? तो छात्रावास वार्डन छात्रावास के सामान्य रखरखाव और स्वच्छता का प्रभारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास में सामान सूची प्रबंधन का प्रयोजन क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा सामान की हानि और चोरी को रोकना इसका मेन प्रयोजन होता है। नेक्स्ट है, छात्रावास में निम्नलिखित में से किस खरीदारी से बचा जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों खंडतः या खंड स खरीदारी से बचना चाहिए, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। बालिका छात्रावास में वार्डन कौन होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि केवल महिला इसमें मेन वार्डन होगी बालिका छात्रावास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रावास का प्रभारी कौन होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वार्डन छात्रावास का प्रभारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास जीवन में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रशासन द्वारा भय रहित और सहायक वातावरण उपलब्ध करवाना ताकि बच्चे समग्र होकर रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास मेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, छात्रों को स्वास्थ्यकर और संतुलित भोजन उपलब्ध करवाना। छात्रावास में शॉर्ट सर्किट होने पर आपात स्थिति में वार्डन क्या करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिकता के आधार पर समस्या को दूर करने के लिए निजी इलेक्ट्रीशियन को बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक छात्रावास कक्ष कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा कक्ष साफ सुथरा हो तथा वहाँ पर लैन की सुविधा और इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास में संपूर्ण सफाई हेतु मार्गदर्शन के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली दस्तावेज का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर सैनिटरी गाइड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट दोस्तों पार्ट 6 है, जिसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेंस जो कि जनरल इंग्लिश का 10 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों है 91 नंबर, 1 डे ऑफ डिपार्चर, एवरी वन द बोट्स क्यू, इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाज। क्या होगा दोस्तों? वाज हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों,
चेंज द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। इसमें दोस्तों एक्टिव दिया गया है, इसको पैसिव में बदलना। बैट्समैन हिट द बॉल फॉर ए सिक्स। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा तो द बॉल हैड बीन हिट फॉर सिक्स बाय द बैट्समैन, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, जिसमें कहा गया है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम द स्पीकर ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन का इडियम दोस्तों क्या होगा, तो इसका इडियम का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, स्टॉप मिडवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो इसमें दोस्तों हैश दिया हुआ है होनेस्ट पॉलिटिशियन इज अ रेयरिटी दीज डेज। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, एंड ऑनेस्ट पॉलिटिशियन इज रेयरिटी दीज डेज, मतलब बहुत ही कम अभी के समय में ईमानदार पॉलिटिशियन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो इंटरस्टेट का दोस्तों एक तरह से आपसे साइनोनिम पूछ रहा है, तो इंटरस्टेट का साइनोनिम का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, इंटरवेन। नेक्स्ट है चूज द वर्ड अपोजिट इन द गिवन वर्ड। तो इसमें दोस्तों एंटोनिम पूछ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 97 नंबर, इसमें सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट है दोस्तों तो इसमें प्रीपोजिशन एंटर करना है 98 नंबर में, द ग्रुप ऑफ एक्टर्स ड्रॉप थ्रू द फॉरेस्ट एट हाई स्पीड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर दोस्तों, द वे फेयर इक्वायर फ्रॉम द वेयर आई गिफ्ट का लास्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, बी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाई डिड यू मीट मी इन द ऑफिस यस्टरडे, इसमें कौन सा राइट टेंस है। तो दोस्तों राइट टेंस इसमें सिंपल पास्ट टेंस जो कि ऑप्शन नंबर थ्री हो। नेक्स्ट है दोस्तों भाषा सक्षमता परीक्षण, तो इसमें है पहला क्वेश्चन 101 नंबर, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा समास का रूप है और कौन नहीं है उसको पहचानना है। तो दोस्तों स्वयं प्राप्त तत्पुरुष समास है, आमरण अव्ययी भाव समास है, काला पानी कर्मधारय समास है, मझधार दोस्तों इसमें द्वंद्व समास नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। तो दोस्तों वागीश व्यंजन संधि है, वाक जो ईश होता है, अजंत दिग्गज, इसमें दोस्तों मनस ताप जो कि एक व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 103 नंबर क्वेश्चन, उंगली पर नाचना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसी के इशारे पे चलना, जो कि ऑप्शन नंबर चार में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संधि नियमों के उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है। तो दोस्तों संधि अगर नियम की अशुद्धि की बात की जाए, तो इसमें दोस्तों सबसे अशुद्ध शब्द अनाधिकार है। दोस्तों अनाधिकार शुद्ध शब्द नहीं है, अनाधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगह पर नमक छिड़कना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है। तो इसका मतलब है दोस्तों दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, जो कि ऑप्शन नंबर एक में है, यही इसका राइट आंसर हो जाए। अगला है 106 नंबर, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत कौन है। तो आगत का दोस्तों निर्यात ये गलती है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। तो कामनी वनिता कांता ये सब स्त्री के पर्यायवाची है, सिर्फ भार्या को छोड़ के सभी स्त्री के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे गद्यांश पे आधारित प्रश्न दिए गए हैं, इसमें गद्यांश को पढ़ के आपको उत्तर देना है, जो कि 108 से 110 तक है। तो दोस्तों जिसमें पहला क्वेश्चन है व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता, जो कि 108 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन वस्त्र और आवास। आप दोस्तों गद्यांश पढ़ के मिला लीजिएगा, यही इसका राइट आंसर है। दोस्तों 109 नंबर में है मनुष्य चंद्रगुप्त पर पैर किसके कारण रख पाया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के द्वारा मनुष्य चंद्रगुप्त पर पैर रख पाया है। नेक्स्ट है मनुष्य की गति को अधिक तीव्र किसने कर दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, रेलगाड़ी जहाज और रॉकेटों ने। नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज, जो कि जिसका जो होगा, मेरा दोस्तों हिंदी था तो मैंने हिंदी में दिया था। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें क्या है, निम्नलिखित में चंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों सोम सुधाकर मयंक ये सब चंद्र के पर्यायवाची है,
जबकि पीयूष इसका पर्यायवाची नहीं है, पीयूष अमृत का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अमर शब्द का सटीक विलोम अर्थ मतलब एकदम एग्जैक्ट कौन है? तो दोस्तों मर्द अमर शब्द का एग्जैक्ट विलोमार्थी शब्द है। नेक्स्ट है 113 नंबर, निम्नलिखित में से पादप कर्म की दृष्टि से शुद्ध व्याप्य कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। अगला है, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन सा है? तो दोस्तों इसमें जेठ और जेठानी असंगत युग्म शब्द है। नेक्स्ट है, आपने मुझ पर बहुत अधिक दिया कि वाक्यांश में रेखांकित शब्द क्या है? तो बहुत इसमें क्या है दोस्तों? तो बहुत इसमें क विशेषण है जो कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में मानक की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द दोस्तों इसमें उपरोक्त है। अगला दोस्तों 118 से 20 नंबर गाद्यांश पे आधारित क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन 118 नंबर क्या है, आधुनिक काल में नारी की स्थिति में सुधार हो रहा है किसके कारण? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षित होने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है 119 नंबर, समाज रूढ़ियों में बंधा था क्योंकि? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नई चेतना का अभाव था जिस कारण से समाज रूढ़ियों में बड़ा हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, रूढ़ियों को त्यागने से क्या होगा? तो दोस्तों रूढ़ियों को त्यागने से समाज स्वस्थ बनेगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो दोस्तों ये थे 120 क्वेश्चन EMRS होस्टल वार्डन के जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। इसमें से दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे द्वारा सही बताए गए, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डाउट है, तो दोस्तों आप उसको कहीं और से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आंसर की आने के बाद भी वो क्लियर हो जाएगा। तो 1-2 क्वेश्चन अगर नहीं पता चलेगा तो उससे कोई फर्क नहीं है दोस्तों, उसमें आपका 118 तो सही पता चल रहा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।